Good afternoon, dear students. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, Bharati College of Engineering and Technology. आज का टॉपिक है डिप्लोमा सेकंड सेम लैब है बी एन सी एस लैब और टू स्टडी ऑफ फोर सर्कुलेशन सोलार वाटर हीटर सिस्टम हीटिंग सिस्टम. हमारा एम है स्टडी ऑफ फोर सर्कुलेशन सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम. इसके पहले हमने वाटर हीटिंग सिस्टम देखा था जिसमें एक ऑब्जर्वर प्लेट रहता है, कलेक्टर होता है जिसमें ट्यूब्स होती है जिसमें वाटर सर्कुलेट होता है. ये सब की जानकारी हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था. लेकिन अब आते हैं फोर सर्कुलेशन सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम. तो उसके मेन एप्लीकेशन पहले समझने से पहले फोर सर्कुलेशन. फोर सर्कुलेशन मतलब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे. अब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये नहीं है कि बल्ब फोर्स लगाएंगे, यानी आपको पानी को कहीं पहुंचाना है, गर्म पानी को वाटर हीटिंग सिस्टम को, तो उसके लिए या सर्कुलेट होकर हमको टैंक में लाना है तो कैसे करेंगे, एक पंप के थ्रू करेंगे. ये सेम वही प्रोसीजर है. इसके मेन पार्ट्स हैं यहाँ पे देखते हैं. एरे ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सेकंड है इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, थर्ड है पंप, चौथा है कनेक्टिंग पाइप, पांचवा ऑक्सिलरी हीटिंग सिस्टम. अब एक एक करके पार्ट्स को यहाँ पे देखते हैं. ये है कलेक्टर, हमारा कलेक्टर ऑक्सिलरी कलेक्टर, ये एरे टैंक का कलेक्टर है. ये एनआरवी है, नॉन रिटर्न वॉल्व, यानी यहाँ से वाटर यदि चले जाएगा तो वापस रिटर्न नहीं आएगा. ये हमारा पंप है, स्टोरेज टैंक है, ये गर्म वाटर फॉर यूज के लिए ऊपर से, और यहाँ से बैठ यदि कोई वेपर वेपर होगा तो यहाँ से क्या होगा वो बाहर निकल आएगा. कोल्ड वाटर मेकअप है, यदि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमको क्या करना है उसको कम ठंड यानी उसको ठंडा करने के लिए. और ये ऑक्सिलरी हीटर और कंट्रोलर है. अब क्या होता है, स्टोरेज टैंक में हमारा पानी है. अब उसको क्या करते हैं, फ्लो होते ट्यूब से फ्लो होते हुए इसमें आता है पंप से. पंप उसको क्या करता है, फोर्स सर्कुलेशन करता है, भेजता है जिसके थ्रू एनआरवी से होता है. एनआरवी से होते हुए कहाँ जाएगा, ये इस ट्यूब से होते हुए जाता है और यहाँ पर क्या होता है कलेक्टर एरे. ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है, इसमें भी ट्यूब्स की होती है जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था, जस्ट यहाँ वैसे ही काम करेगा. बस यहाँ पे क्या होगा, ये सोलार रेडिएशन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर. तो सोलार रेडिएशन स्ट्राइक करेगा तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होगा, वो वाटर क्या होगा ट्यूब्स के अंदर से होते हुए जाती है तो क्या होगा, जो हीटिंग है तो क्या करता है थर्मल, जो सोलार रेडिएशन होता है उसको थर्मल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी. तो सोलार जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है अपना ट्यूब्स के थ्रू किसको देता है, हीट वाटर को देता है. यहाँ से क्या होता है, वाटर गर्म होकर कहाँ चले जाती है, स्टोरेज टैंक. अब क्या होता है, कंट्रोलर का काम क्या होता है, पंप को कंट्रोल करेगा कि कितना हमको पानी भेजना है, डिवाइस लगा रहता है. स्टोरेज टैंक का देखता है कि कैपेसिटी ज़्यादा भर गया यानी ज़्यादा फिल तो नहीं हो गया, जब काम है ज़्यादा है वो चेक करता है. और यहाँ से चेक करता है कि हम भेजना है कि नहीं, हीटिंग यानी गर्म हो रहा है कि नहीं पानी. तो ये तीन तरीके से चेक करता है कंट्रोलर, एक तो फोर्स से करेगा कि कितना पानी भेजना है, कितना गर्म होगा, और स्टोरेज टैंक का कैपेसिटी चेक करता है. तो ये क्या करता है, यहाँ पे आके गर्म पानी हमारा इकट्ठा होता है. अब क्या होता है, कभी कभार हमारा जो टेम्परेचर है वो आ क्या होता है हाई हो जाता है वाटर का, तो उसको मेकअप करने के लिए यहाँ पे क्या लगता है, कोल्ड मेकअप वाटर लगाते हैं. और हमारा जो पानी गर्म होकर आता है वो कहाँ से बाहर निकल जाता है, हॉट वाटर यूज के लिए निकल जाता है. ऊपर एक वेंट है जहाँ से हम क्या करते हैं वेपर को क्या करते हैं बाहर की ओर निकालते हैं, और हमको जो यूज करना है यहाँ से क्या होता है हॉट वाटर यूज के लिए हो जाता है. क्योंकि ये पंप चलता रहेगा तो यहाँ भेजेगा तो उसके थ्रू हमारा क्या पानी सर्कुलेट हो जाएगा. अब इसमें क्या होता है, एक और चीज़ होता है ऑक्सिलरी हीटर होती है. ऑक्सिलरी हीटर का मतलब हो सकता है कि यार आपके समय ये हमारा काम नहीं करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पानी को फिर से गर्म करना है तो कहाँ से होगा, हम ऑक्सिलरी हीटर को क्या क्या करेंगे गर्म कर लेंगे. यह सुबह सुबह तो हमारा हीट नहीं रहेगा, रेडिएशन नहीं रहेगा अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, तो हम उसको कभी भी जब सन का रेडिएशन नहीं रहेगा, हीटिंग नहीं होगा, तब इसका ऑक्सिलरी हीटर का यूज़ करते हैं. अब इसको ऑब्जर्वेशन के बाद देखते हैं.
देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट पहला रहता है सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट टाइम, जिस समय आपने एक्सपेरिमेंट करना के साथ टाइम देखा, क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने कितना क्वांटिटी लिया, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, इनिशियल टेम्परेचर जब आपने शुरुआत किया, फाइनल टेम्परेचर आपको जब खत्म किया, और कितना ड्यूरेशन किया, कितना 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। अब अर्ली मॉर्निंग यदि सपोज हमने 10 AM लेते हैं तो क्वांटिटी ऑफ 2 लीटर इनिशियल टेम्परेचर था हमारा 29 डिग्री सेल्सियस, हम आते हैं 31 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाता है 31 डिग्री सेल्सियस, और कितना लगता है गर्म करने में हमको 2 आवर्स लगता है, कितना आवर्स लगता है 2 आवर्स। यदि हम लोग 10 बजे शुरू करते हैं उस समय क्या होता है, सोलार रेडिएशन जो रहता है वो उसकी किरणें क्या करती है, यानी ज़्यादा गर्म नहीं करती। उसके बाद कितना है 2 लीटर पानी देते हैं, 29 डिग्री सेल्सियस रहता है, 31 डिग्री सेल्सियस का फाइनल टेम्परेचर रहता है, और कितना ड्यूरेशन लगता है गर्म करने में 2 आवर्स। उसी चीज़ को हम यदि 12:30 में लेते हैं, पानी उतना ही लेता 2 लीटर, टेम्परेचर बढ़ जाता है 31 डिग्री रहता है और 32 to 23 आता है, 32 से कितना होगा 33 डिग्री सेल्सियस होगा, वो कितना लेता है 1 आवर लेता है, कितना लेता है उसी पानी को गर्म करने के लिए कितना घंटा लेता है 1 घंटा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 12 यानी 12:30 बजे आप स्टार्ट करते हैं, 2 लीटर पानी रहता है, टेम्परेचर 31 से 33 स्टार्टिंग रहता है 33 तक जाता है, लेकिन वो पानी कितना घंटा कितना घंटे में गर्म करते हैं 1 घंटा, यानी 10 से 12 मिनट शुरू करते हैं 10 बजे तो कितना समय लेता है 2 घंटा, और 12 से 1.5 घंटा या करेंगे तो 12:30 से 1.5 बजे तक तो कितना लेता है 1 घंटा, यानी पीक आवर में, यानी जब सूर्य की किरणें जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा पानी गर्म करेगा। 10 बजे सन का क्या होता है ओरिएंटेशन अलग होता है, उससे क्या होता है टाइम टेबल उसको टाइम क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन 12:30 12:30 1 बजे क्या होता है डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है जो सन देश को, उस समय क्या होता है ज़्यादा गर्म होता है, और ये 12:30 से 1.5-2 बजे तक, और उसके बाद यदि 3 बजे आएंगे तो यही पानी को फिर से गर्म करने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है स्टडी ऑफ ओवर सर्कुलेशन सोलार सिस्टम का ऑब्जर्वेशन टेबल करते हैं। थैंक यू।